कैसी है माता जी? आप ही बताइए डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाएगी माँ? तुमसे पूछा, डॉक्टर साहब वो अस्पताल में नया मंदिर बनाया ना, काफी अच्छा बनाया है। अभी वहीं से आ रहा हूं पैसे चढ़ाकर। नए वाले नोट थे सर। पूजा करी? देखो कॉम्प्लिकेशन तो है, तुम फिक्र मत करो, अब की बार कॉम्प्लिकेशन जानो, ग्राहक को जानो, उसका भरोसा जीतो, तभी तो उसे मना पाओगे। ये अस्पताल मैंने ऐसे ही नहीं खड़ा किया। केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा साहब। केवाईसी कहां से हो? मान से हूं साहब, मेरे गांव का नाम है और मैं भरत मान। नर्स ने फॉर्म दिया था ना? जी जी डॉक्टर। सोचा उसके बारे में कुछ? सोचा है ना डॉक्टर साहब, आप ये तो बताएं माँ को हुआ क्या है? तुम्हारी माँ के टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए। बता दे इसको, इसकी माँ के दिमाग में ट्यूमर है। तुम्हारी माँ के दिमाग में ट्यूमर है जो फैल रहा है। माने? दिमाग में छोटी छोटी नस होती है, वो कभी कभी फट जाती है, तो पूरा जिस्म नियंत्रण के बाहर हो जाता है। का इलाज डॉक्टर साहब? इलाज है लेकिन समय बहुत लगेगा और खर्चा भी होगा। ऑपरेशन होगा इसका? यार तुम सवाल बहुत करते हो। डॉक्टर साहब कर सकते हैं ऑपरेशन पर एडवाइजेबल नहीं। क्या एडवाइजेबल शेडवाइजेबल कर रहा है, चीर के निकाल दे। करेंगे ऑपरेशन, करना ही पड़ेगा। ये इनकी कोहनी में क्या हुआ है? ये तो साहब दंगों में चोट आई थी पहले, काफी समय से ठीक ही नहीं हुई है। अब कैसा? तो आप ही बताएंगे ना साहब, हमें तो क्या पता। पूरा शरीर एक अखंड भाव से जुड़ा है, यूनिटी डॉक्टर। रॉड पड़ेगी, रॉड बताओ उसे। ऑपरेशन इनकी कोहनी का भी होगा, रॉड डलेगा। माँ को बचाना है ना, वो फॉर्म दिया था ना तुमको? जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन पैसा है मेरे पास, वो हम गांव में अपनी जमीन बेच दिए हैं और सरकार ने भी अब हमारा कर्ज माफ कर दिया है। जीरो बैलेंस अकाउंट में और पैसा डालेगी सरकार, तो पैसा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम तो 50,000 लेकर भी आए थे, उसमें से 10,000 तो बाहर चौकीदार और एम्बुलेंस वाले को दे दिया, बाकी अकाउंट में जब पैसा आएगा तो 1-1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा डॉक्टर साहब। 10 लाख खर्चा है। 10 लाख रुपए? माँ को ठीक करना है तो करना ही पड़ेगा ना। फॉर्म
करेंगे डॉक्टर साहब। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, वैसे भी हम इसकी मदद ही कर रहे हैं, इसे अपनी माँ को बचाना है। फॉर्म साइन कराओ, फॉर्म। इलाज कल से शुरू करते हैं, तुम पैसे का इंतजाम कर लेना, बाकी तो तुमको समझ में आ ही गया क्या करना है। जी जी डॉक्टर साहब, अब बस माँ को बचा दीजिए। एक ऊपर भगवान है जो हम सब जब जान डालता है, पर एक आप भगवान है जो उस जान को बरकरार रखते हैं। डॉक्टर साहब अब बिल्कुल भगवान ही है हमारे लिए, आप भगवान ही है डॉक्टर साहब हमारे लिए। पैसा भी आ जाएगा।